उजाना से पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को फिर से बीजेपी का टिकट दिए जाने के बाद पहली बार वीरेंद्र सिंह अपने पूरे परिवार समेत उजाना में अपने गांव डुमरखा पहुंचे और वहां के दादा खेड़ा पर पूजा अर्चना की। इस दौरान वीरेंद्र सिंह और प्रेमलता ने अपने बेटे सांसद ब्रजेंद्र सिंह के साथ कपास मंडी में एक जनसभा को भी संबोधित किया। विशेष तौर पे देखती है कि एक तो जीतने के मतलब आसार जिसके ज्यादा वही अवेलेबिलिटी और दूसरा उसकी परफॉर्मेंस एज मिनिस्टर, ये दो तीन चीजें हैं जिनको देखा जाता है। बाकी ज्यादातर मंत्रियों को तो रखा है वहाँ और अभी 12 सीटें बाकी हैं, हो सकता है किसी मिनिस्टर को किसी ने दोबारा से विश्वास इसलिए जताया है कि आप सब ने पता है कि दो दिन से जो बड़ा शशोपंच की स्थिति पैदा कर रही थी राव इंद्रजीत ने, और उसके साथ साथ और भी थे कुछ एमपी जो अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन मैं उन लोगों में नहीं आती जो पहली बार टिकट मांग रहे थे। मेरे को तो खुद बीजेपी ने टिकट दी थी पिछली बार, और जब मैं शामिल हुए थे आप सबको पता कि अमित शाह जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने मेरे को पार्टी में शामिल करवाया था, और टिकट भी तब तक तो चौहान साहब राज्यसभा के मेंबर भी नहीं थे जब मेरे को यहाँ से टिकट दी थी। तो मैं देख तो पहली बार तो सिटिंग MLA हूँ, और दूसरी बात ये कि जो उन्होंने सर्वे करवाया उसमें उचाना में जो उन्होंने काम देखे या जो मेरा एक तरह से तरीका देखा मेरा काम करने का, उससे मेरी टिकट कटने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, और वो सस्पेंस कल दूर भी हो गया 4:30 बजे।